तुम जितना पैसा कमाते हो उससे कहीं ज्यादा मैं कमाता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें, जहाँ हम कहते हैं तुम जितना काम करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं काम करता हूँ, तुमने जितना रन बनाया उससे कहीं ज्यादा मैंने बनाया, तुमने जितना टॉपिक सीखा उससे कहीं ज्यादा मैंने सीखा। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां कहते हैं कोई इंसान दूसरे के कंपेयर में कहीं ज्यादा काम करता है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद मोर देन के साथ आप उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। जैसे तुम जितना पैसा कमाते हो उससे कहीं ज्यादा मैं कमाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई अर्न मनी, यानी मैं पैसा कमाता हूँ। आई अर्न मनी मोर देन यू, यहाँ मोर देन यू का मतलब हुआ जितना तुम कमाते हो। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस होता है कि कोई दो आदमी किसी एक्शन को कर रहे हैं लेकिन एक आदमी दूसरे के कंपेयर में ज्यादा कर रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ आ सके। जितना रोटी तुम खाते हो उससे कहीं ज्यादा मैं खाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ईट ब्रेड मोर देन यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो लोग हैं और दोनों खाने का एक्शन कर रहे हैं लेकिन एक आदमी दूसरे के कंपेयर में ज्यादा काम कर रहा है। तुमने जितना टाइप किया उससे कहीं ज्यादा मैंने टाइप किया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टाइप्ड मोर देन यू, यानी तुमसे कहीं ज्यादा मैंने टाइप किया। तुमसे कहीं ज्यादा मैंने खरीदा, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉट मोर देन यू। रवि से कहीं ज्यादा मैंने काम किया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वर्क मोर देन रवि। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई एक आदमी दूसरे के कंपेयर में ज्यादा काम किया तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब मोर देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।